दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एरिया में। आज का हमारे टॉपिक हैज़ हैव और हैड का प्रयोग कैसे करते हैं और किन क्रियाओं के साथ हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं, हम आपको आज इस वीडियो के द्वारा हैज़ हैव और हैड का प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं पहले हैज़ और हैव का मतलब क्या होता है। हैस और हैव का मतलब होता है रखना या के पास, ठीक है। हैस और हैव का मतलब होता है रखना या के पास। और हैस और हैव का पास्ट टेंस में भूतकाल रूप में, मतलब हैस और हैव को ही पास्ट टेंस में भूतकाल रूप में हैड कहते हैं, ठीक है, हैड कहते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं तो हैस का प्रयोग देखते हैं। तो हैस का प्रयोग कैसे करते हैं। हैस का प्रयोग, हैस क्रिया का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर, ठीक है। हैस क्रिया का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, ही शी इट, और सिंगुलर नंबर है नेम, इनके साथ किया जाता है, ठीक है। हैस एक बार और दोहरा देता हूँ, हैस क्रिया का प्रयोग सिर्फ सी थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर नंबर नेम या कर्ता के साथ किया जाता है, ठीक है। आपको एग्जांपल बताता हूँ, ही हैज़ अ बुक, ठीक है, ही हैज़ अ बुक। दूसरा शी हैज़ अ टॉय, ठीक है, शी हैज़, ये दोनों एग्जांपल है। ही थर्ड पर्सन इसके साथ हैज़ का प्रयोग, शी थर्ड पर्सन इसके साथ हैज़ का प्रयोग, ठीक है। और आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि किसके इनके साथ हैस का प्रयोग किया जाता है। तो यूज ऑफ हैस, हैस का प्रयोग ही शी इट और नेम के बाद किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ हैस, हैस का प्रयोग ही शी इट और नेम के साथ किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हैव का प्रयोग देखते हैं। तो हैव का प्रयोग है, हैव का प्रयोग फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, हैव का प्रयोग फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, ठीक है, हैव का प्रयोग फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, जिन्हें कहते हैं आई वी यू, तथा बहुवचन कर्ता दे और बॉयज, और बहुत सारे बहुवचन कर्ता होते हैं, जैसे गर्ल्स होता है, चिल्ड्रंस होते हैं, इन सब बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन सब बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हैव का प्रयोग किनके किनके साथ किया जाता है, हैव का प्रयोग फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, आई वी यू, तथा बहुवचन कर्ता दे बॉयज, तथा जो बहुत सारे बहुवचन कर्ता जैसे चिल्ड्रंस गर्ल्स होते हैं, उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, दे हैव हॉर्स, उनके पास घोड़े हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, बॉयज हैव टॉयज, लड़कों के पास खिलौने हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको किनके किनके साथ हैव का यूज करना है, यूज ऑफ हैव, ठीक है, यूज ऑफ हैव, हैव का यूज आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का यूज करना है। एक बार और दोहरा देता हूँ, यूज ऑफ हैव, हैव का यूज आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लस बहुवचन कर्ता बॉयज हॉर्स गर्ल्स चिल्ड्रंस आदि के साथ करना है, ठीक है। इसी प्रकार हैड का प्रयोग देख लेते हैं। हैड का प्रयोग किनके साथ किया जाता है, हैड का प्रयोग फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोनों वचनों के कर्ताओं के साथ पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोनों वचनों के कर्ताओं के साथ पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैड अ कैट, यू हैड अ रेडियो, ठीक है। हैड का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग सभी के साथ किया जाता है, ऑल ऑफ देम इन पास्ट टेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हैस, हैव और हैड का प्रयोग समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में जानने के लिए और नॉलेजफुल फैक्ट जानने के लिए हैस, हैव, हैड जैसे और ग्रामर रूप
ग्रामर के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।